अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फरदीन डिज़ाइनर, मैं हूँ शेख फरदीन। जो थंबनेल में जो डिज़ाइन देखा आपने, यही डिज़ाइन हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसको करने के लिए पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी। पिक्सल लैब प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे एम आएंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ से हम नाम हम लिख लेते हैं जिस नाम पे मुझे करना है, ग्लास फॉन्ट। तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं जानू लिख लिया। उसके बाद इस तरह से इसको इंक्रीज़ कर देंगे साइज़। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ए बी फॉन्ट में आएंगे। उसके बाद माई फॉन्ट में आके कोई एक यहाँ से एक ये ले लीजिएगा, ये वाला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे ना साइज़ का ये ऑप्शन दिखेगा, इसको इस तरह से इंक्रीज़ कर लेंगे साइज़ को, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ट्रांसपेरेंट पे आएंगे, मेमोरी में आएंगे, सेव एज इमेज पे आएंगे, डिफ़ॉल्ट पे आएंगे, अल्ट्रा पे रख के सेव टू गैलरी कर देते हैं। अब स्विच करते हैं पीएस टच एप्लीकेशन की तरफ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जी देख सकते हैं हम पीएस टच एप्लीकेशन में एंटर हो चुके हैं और हमने बैकग्राउंड भी इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर नेम इंपोर्ट करेंगे। नेम इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पे, फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी पे जाएंगे और यहाँ से हम पिक्सल लैब का फोल्डर ढूंढ लेंगे जहाँ पे हमने नेम एडिट करके वहाँ पे सेव हुआ है। तो यहाँ पे पिक्सल लैब का फोल्डर है और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वो नेम हमारा मिल जाएगा, यहाँ पे जानू मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको ना साइज चलिए इतना कर लेते हैं, ओके कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके एक डुप्लीकेट लेयर बना देंगे। लेयर बनाने के बाद अब इसको ना इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इसी लेयर पे हम काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे और सिलेक्ट पिक्सल कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे और क्या नाम है, ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे, एक्सपेंड पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये माइनस का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 13 कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। 13 करने के बाद ओके कर देने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आएंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से प्लस की इस पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इसको कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद डिसलेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं और इसको जो ना ये जो दिख रहा है आपको ये वाले को हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है, इसको सिलेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पे आएंगे फिक्स में, बेवल में आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे बेवल इसको देंगे 25, ठीक है, डिस्टेंस देंगे 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल पे आ जाएंगे। एंगल हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रखने वाले हैं, कितना 315 रख लेते हैं, ठीक है, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे टू लाइन में आएंगे, कर्व में आ जाते हैं। कर्व हम कुछ इस तरह से रखेंगे जी, कर्व हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रखेंगे, ओके कर देंगे। फिर इफेक्ट्स में आएंगे, फ़ोटो में आएंगे, सॉफ्ट स्किन ले लेंगे, ओके कर देंगे। इस तरह से थ्रेशोल्ड फुल कर देंगे, इंटेंसिटी भी फुल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इफेक्ट्स में आएंगे, बेसिक में आएंगे, बेवल में आ जाएंगे। उसके बाद एंगल पर आएंगे और इसको खींच के यहाँ पर इस तरह से हम 135 पे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे और ये वाला ले लेंगे। उसके बाद फिर इफेक्ट्स में आएंगे, फ़ोटो में आएंगे और सॉफ्ट स्किन ले लेते हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको सेलेक्ट पिक्सल करेंगे और इसी को लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये डिसलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये अब जो लेयर फ्रॉम सिलेक्शन किए हैं ये वाला, इसी पे सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे आएंगे और ये वाला टूल ले लेंगे, ठीक है। ये वाला टूल लेने के बाद आपको ब्रश की साइज़ यहाँ से छोटी बड़ी कर लेनी पड़ेगी, आपको जितना चाहिए। तो मैं यहाँ से कितना, यहाँ से मैं 85 ले लेता हूँ, ठीक है। और कलर मैं वाइट करूँगा, ठीक है, वाइट कलर करूँगा। तो कुछ इस तरह से मैं कलर करूँगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ले लूँगा, इस तरह से ले लूँगा और कुछ इस तरह से ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से आएंगे और इसको ये वाला टूल ले लेंगे। उसके बाद इसी में सेलेक्ट रहेंगे, इसी में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट पिक्सल करेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी इस पर नहीं, इस पर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पिक्सल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और डीसेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहीं पे सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे जूम कर लेंगे और ये कंटिन्यूस जो अगर इस तरह से ऑन होगा तो इसको ऑफ़ कर दीजिएगा। ऑफ करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक में क्लिक करेंगे ना तो ये पूरे जितने भी हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सब सेलेक्ट हो गए, ठीक है। ठीक है, सब सेलेक्ट हो गए। अब इसको यहाँ से डिसलेक्ट कीजिए। अब इसको अगर ओपन रखेंगे तो देखिए जिसको सेलेक्ट करेंगे वही सेलेक्ट होगा। अब मुझे पूरे जितने वाइट है सबको सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे इसको डिसलेक्ट, इसको ये करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे और फिर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद इसी लेयर पर रहेंगे, इसी लेयर पर रहेंगे, इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं, बेसिक में आ जाते हैं और बेवल में आ जाएंगे। बेवल में आने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और 225 पे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे, फिर टू लाइन में आएंगे, कर्व ले लेते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में आएंगे, फ़ोटो में आएंगे और सॉफ्ट स्किन ले लेते हैं। उसके बाद फिर टू लाइन इफ़ेक्ट्स में आएंगे और बेसिक में आके बेवल ले लेते हैं। और उसके बेवल अब उसके बाद जो लेंगे हम ये 45 लेंगे, ठीक है, बेवल 45 ले लेंगे, ठीक है। ये बेवल 45 ले लिया, उसके बेवल 45। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से डिसलेक्ट कर देते, ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे आएंगे, यहीं पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्सल पे, फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इसको कट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी कट नहीं, पे आके एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसी में सेलेक्ट रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स मांगेंगे और टिंट पर आ जाते हैं। टिंट पर आने के बाद हम कुछ इस तरह का कलर रखेंगे इसमें, पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि कलर हमें समझ में आए, ये इस तरह का कुछ कलर ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह का हमने कुछ कलर ले लिया। उसके बाद बेवल में सॉरी हमने कलर ले लिया। उसके बाद से इस पे आएंगे, ये वाले लेयर पे आएंगे, यहाँ पे आके इसको भी हम कलर वही कर देते हैं, सेम कलर, ओके कर देंगे। उसके बाद ये वाले को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में आ जाते हैं, बेवल में आ जाते हैं। बेवल इसमें ब्लर हम 10 करते हैं, डिस्टेंस भी हम 10 करते हैं। उसके बाद एंगल हम यहाँ से चेंज करते जाएंगे, 180 इफेक्ट्स बेवल, 45 इफेक्ट्स बेवल, 135। उसके बाद हम टू लाइन में आएंगे, कर्व में आ जाते हैं, कर्व कुछ इस तरह कर लेंगे हम, हमने ये वाला कर्व ले लिया। उसके बाद इफेक्ट्स में आएंगे, फ़ोटो में आएंगे और सॉफ्ट स्किन ले लेते हैं, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे इफेक्ट्स में
ओल्ड सेपिया लेना चाहें तो ओल्ड सेपिया ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा मैं ओल्ड सेपिया ही लेता हूँ तो यहाँ पे ले लेता हूँ। उसका सेचुरेशन हम इसकी बढ़ा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एफेक्ट्स में आएंगे, बेसिक में आएंगे और ड्रॉप शैडो दे देते हैं। ड्रॉप शैडो यहाँ से ब्लर हम 6 कर देते हैं, ओके। डिस्टेंस यहाँ से 8 कर देंगे, ओके। ठीक है, एक मरतबा दे दिया, दो मरतबा दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें आएंगे, इसमें भी हम ड्रॉप शैडो दे देते हैं। ड्रॉप शैडो सेम रहेगा, उसके इफेक्ट्स में आएंगे, फिर ड्रॉप शैडो देते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा बनके तैयार है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, हो गया, मर्ज हो गया। उसके इफेक्ट्स में आएंगे, ग्लो में आ जाते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आते हैं और 0.6 ब्लर रखते हैं। उसके बाद इसी में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर चाहें तो ओवरले, आप चाहें तो मल्टीप्लाई, आप चाहें तो लाइटन, आप चाहें तो लैंड डॉच, जो आपको पसंद आया वो आप रख ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पसंद आया, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ओवरले लाइटन, लाइटन ले लेके यहाँ पे मर्ज डाउन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेव में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा गैलरी में। बस यही वीडियो था आपके लिए।